हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये सरकारी सोलर है जो हर बच्चों को स्कूल की तरफ से मिला हुआ है। तो हो सकता है शायद आपको भी मिला होगा, अगर नहीं मिला है तो चलिए कोई बात नहीं, फिर आएगा तो फिर मिलेगा। तो दोस्तों इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है और इसका रिपेयरिंग का वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है, अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों उसमें ज़्यादातर कमेंट एक ही प्रकार को देखने को मिलता है कि क्या हम इसको अपने मोबाइल चार्जर से चार्ज कर सकते हैं इस लाइट को, और एक क्वेश्चन देखने को मिलता है क्या इसके सोलर पैनल से हम अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो इसी का डाउट यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ और विथ प्रूफ के साथ यहाँ पे बताऊँगा और दिखाऊँगा कि क्या हम इससे अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं इसके सोलर पैनल से, और क्या इसको हम अपने मोबाइल चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। तो दो चीज़ यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊँगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, आपको अच्छा से मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्या ये दोनों हम कर सकते हैं, इसके सोलर पैनल से हम अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और अपने मोबाइल चार्जर से क्या इसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास सोलर पैनल नहीं है तो ऐसा आप पिन ले सकते हैं, किसी भी दुकान से आप जाके खरीद सकते हैं। इसका दाम आपको 10 से 15 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। जाके बोलिएगा कि हमको 12 वोल्ट डीसी वाला पिन चाहिए तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये वाला पिन आपको परचेज कर लेना है अगर आपके पास सोलर पैनल नहीं है तो, क्योंकि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कैसे आप मोबाइल चार्ज से चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप खरीद लीजिएगा ऐसा, और इसमें आपको माइनस प्लस का चिन्ह दिखाई देगा, तो आपको वायर ऐसा कटिंग कर लेना है चार्जर का, और माइनस माइनस जो हमारा काला होता है और प्लस प्लस जो हमारा रेड होता है, तो ऐसे आपको कनेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी आपको लगाना नहीं है, कोई भी कंपोनेंट्स डायरेक्टली आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखते हैं फिर क्या होता है, यहाँ पे चार्ज होता है या नहीं होता है, और चार्ज होता भी है तो क्या हमारा ये चार्ज करना सही होगा कि हमारा बैटरी भी ख़राब हो सकता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए इस चार्जर को मैं ऑन कर लेता हूं, और यहां पे डिस्प्ले में देखिए डिस्प्ले वाला चार्जर है। तो चलिए मैंने यहां पे लगा लिया, और यहां पे देखिए ये चार्ज हो रहा है, और इस हमारा जो हमारा ये चार्जर है इसमें देखिए 0.7 एम्पियर ले रहा है और 5 वोल्ट ये आउटपुट करता है, 0.7 एम्पियर यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज आपको यहाँ पर देखिए 7878 हो रहा है, 0.78 ऐसा करके यहाँ पे एम्पियर ले रहा है ये जो हमारा सोलर है। तो क्या इससे हमें ये चार्ज करना चाहिए, हमारा चार्जर से क्या चार्ज होगा या नहीं होगा, तो ये आपको डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ से हम चार्ज कर सकते हैं कोई भी मोबाइल चार्जर से जो हमारा 1 एम्पियर देता है उससे हम चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल चार्जर होता है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, देखिए आउटपुट में 5 वोल्ट डीसी है और 1 एम्पियर है, तो हमारा ले कितना रहा है 0.78, मतलब 0.8 मान लीजिए, तो 0.2 का फर्क है। तो आप इससे आप चार्ज कर सकते हैं किसी भी मोबाइल चार्जर से जो हमारा 1 एम्पियर देता है आउटपुट में, तो यहाँ पे लिखा होता है आप देख सकते हैं। और ऐसा नॉर्मल चार्जर से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है कि आपका बैटरी फूल जाएगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप न्यू धड़क इसको डायरेक्टली ऐसा चार्ज कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन होता है क्या इसके सोलर पैनल से हम अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके सोलर पैनल से आप मोबाइल तो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी बंदे को क्या होता है जो हमारा सोलर पैनल होता है उसका एम्पियर कम होता है, जिसके कारण हमारा मोबाइल चार्ज तो होता है दिखाता तो है लेकिन यो बढ़ता नहीं है, और बढ़ेगा भी तो डायरेक्टली घट जाएगा। तो वो एम्पियर पे डिपेंड करता है कि आपका सोलर पैनल कितना एम्पियर का है, अगर आपका सोलर पैनल 1 एम्पियर का है तो आपका मोबाइल आराम से चार्ज हो जाएगा, लेकिन क्या ये चार्ज करना उचित होगा, तो गाइज ये चार्ज करना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सेफ्टी वगैरह नहीं हो, डायरेक्ट आपका सोलर पैनल से ही चार्ज होता है। तो ऐसे आपको अगर मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी है तो ऐसे आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ का सोलर पैनल से चार्ज करना ये सही नहीं है। अगर आप सोलर पैनल से रोज़ रोज़ चार्ज करते हैं तो हो सकता है आपके मोबाइल में कोई फॉल्ट आ सकता है, मोबाइल का बैटरी ख़राब हो सकता है, मोबाइल ख़राब भी हो सकता है। तो मैं यही सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप चार्ज करते हैं तो कभी कभार इमरजेंसी के तौर पर आप उसको यूज कर सकते हैं, रोज़ रोज़ आपको यूज नहीं करना है, लेकिन आपको मोबाइल चार्जर से ये वाला लाइट चार्ज कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है।
तो दोस्तों आई होप कि मैं जो समझाने का बताने का कोशिश किया हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या सवाल या सुझाव रहता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करता हूँ। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों पास शेयर करना, और इसी तरह का वीडियो पाते रहना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।